दोस्तों, हम सभी को दूसरे विश्व युद्ध की काफी बातें पता है। हिटलर का आतंक, हिरोशिमा पर एटम बम का गिरना और अलाइड पावर्स की जीत। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बारे में ज्यादातर कोई बात नहीं होती, न ही किताबों में और न ही मीडिया पर। लेकिन पहले विश्व युद्ध की कहानी बहुत ज्यादा मजेदार है, क्योंकि ये कहानी शुरू होती है एक कार के रोंग टर्न लेने से। कार एक रजवाड़े की थी जो हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक 19 साल के बच्चे ने उसकी जान ले ली और पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्या है ये पूरी कहानी जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पहले विश्व युद्ध में कौन कौन लड़ा था। पहले विश्व युद्ध में यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया से रूस और जापान जैसे देश शामिल थे। इसके बाद आखिर में अमेरिका ने भी इस वॉर को ज्वाइन कर लिया। पहला धड़ा था सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया लड़ रहे थे, जबकि दूसरी ओर एलाइड पावर्स में रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्टुगल, जापान और अमेरिका थे। यकीन करना मुश्किल है कि जापान और अमेरिका पहले विश्व युद्ध में एक साथ लड़े थे, लेकिन तब उन्हें कहां पता था कि कभी दूसरा विश्व युद्ध भी होगा। इसलिए दूसरे विश्व युद्ध तक इसे द ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता था, जिसमें 4 करोड़ सिपाहियों के साथ 2 करोड़ आम नागरिकों की भी जान गई थी, लेकिन ये जंग टल सकती थी। अब आते हैं उस रॉन्ग टर्न वाले प्रसंग पर। तो हुआ यूं था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया पर हमला करने वाला था, लेकिन सर्बिया इसके खिलाफ था, क्योंकि सर्बिया खुद बोस्निया पर कब्जा करना चाहता था और हाल ही में सर्बिया के कुछ हिस्से पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने कब्जा किया था। अब सर्बिया रूस का अच्छा दोस्त था, इसलिए उन्हें अपनी ताकत पर विश्वास था। लेकिन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पास भी उस वक्त एक अच्छा दोस्त था, जो था जर्मनी। इस वजह से बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का कब्जा हो गया और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के क्राउन प्रिंस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया के दौरे पर गए। तब ब्लैकहेड नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी ने ये प्लान बनाया कि आर्च ड्यूक को वो दौरे पर ही असैसिनेट कर देंगे। इस सोसाइटी में सर्बिया और बोस्निया के लोग थे और प्लान ये बनाया गया था कि 6 लोगों को इस काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन 6 में से पहले 2 लोग तो आर्च ड्यूक की कार के गुजरने पर कुछ कर ही नहीं पाए, लेकिन तीसरे व्यक्ति ने उन पर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जो कि गलत जगह गिरा, और फिर इस शख्स ने वहां से भागकर साइनाइड खाकर अपनी जान देनी चाही और फिर एक नदी में छलांग लगा दी। लेकिन साइनाइड स्पॉइल्ड थी और नदी सिर्फ कुछ इंच गहरी थी, जिस वजह से यह आदमी भीड़ के हाथों आ गया और भीड़ ने इसे पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। बाकी लोग भी तेज चलती हुई कार के कारण आर्चड्यूक को शूट नहीं कर पाए। आर्चड्यूक उस वक्त अपनी कार से बम धमाकों में घायल हुए लोगों से मिलने जा रहे थे और तभी उनके ड्राइवर ने एक गलत टर्न ले लिया। किसी ने चिल्लाते हुए कहा कि ये गलत रास्ता है, तो ड्राइवर ने एक दुकान के सामने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़ने लगा, लेकिन इसी दुकान के सामने 19 साल का गैब्रिलो प्रिंसिप खड़ा था, जो ब्लैक हैंड का ही मेंबर था, और उसने अपनी बंदूक से आर्चड्यूक और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। प्रिंसिप सर्बियन था और इस कारण ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो हमेशा से ही सर्बिया पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था, उसे एक बड़ा चांस मिल गया। उन्होंने सबसे पहले सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा और अगर सर्बिया उस पर लिखी शर्तों पर साइन कर देता तो ये जंग ना होती। लेकिन इस अल्टीमेटम को साइन करने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया गया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने इस तरह की शर्तें उसमें लिखी थी जो वो जानते थे कि सर्बिया नहीं मानेगा, और उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जंग के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के पास संसाधन नहीं थे, तो क्यों उन्होंने ये जंग शुरू की? इसलिए क्योंकि जर्मनी चाहता था ये जंग हो और जर्मन एम्पायर हर जगह फैल जाए। जर्मन एम्पायर उस वक्त अपने चरम पर था, उनके पास बहुत देशों में कंट्रोल था और उनकी इंडस्ट्रीज के कारण वहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। इसलिए जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को पैसा और हथियार मुहैया करवाए और बाद में खुद भी इस जंग में उतर गया। जब जंग हुई तो सर्बिया के रूस के साथ सुरक्षा समझौते के कारण सर्बिया की तरफ से रूस को आना पड़ा, और रूस का फ्रांस और ब्रिटेन के साथ रक्षा समझौता था, जिस वजह से ये 2 देश भी जंग में उतर गए। लेकिन क्या इन देशों को मजबूरी में जंग में उतरना पड़ा, या ये लोग जंग करवाने में उतने ही जिम्मेदार थे? जंग करवाने में जर्मनी के साथ साथ रूस को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि रूस ने एक बार भी शांति की बात नहीं की और अल्टीमेटम की खबर सुनते ही अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया था, जबकि जर्मनी ने अब तक अपनी आर्मी को तैयार नहीं किया था।
ऐसा लग रहा था जैसे रूस तो जंग के लिए तैयार ही बैठा था, और ऐसा था भी, क्योंकि रूस को ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर के कुछ हिस्से चाहिए थे और इसलिए उनके लिए इस जंग में कूदना स्वाभाविक था। फ्रांस ने भी शांति स्थापित करने की कोशिश नहीं की और इस जंग को शतरंज के एक गेम की तरह लिया और बहुत ही चालाकी से इस जंग को शुरू करवाने में अपनी भागीदारी निभाई। फ्रांस के साथ परेशानी ये थी कि दिन ब दिन उनके सरहद से जुड़े जर्मनी की ताकत बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो अपनी सुरक्षा को लेकर घबराए हुए थे। तब फ्रांस ने रूस को पैसा और हथियार देना शुरू कर दिया ताकि जर्मनी पहले रूस पर हमला करे, और तब तक फ्रांस या तो अपना डिफेंस मजबूत कर लेगा या जर्मनी पर काउंटर अटैक की स्ट्रेटेजी बना लेगा। इसी पैसे के दम पर रूस ने सर्बिया के साथ देने का फैसला किया, लेकिन अफसोस फ्रांस का ये प्लान काम नहीं आया, क्योंकि जर्मनी ने एक ही वक्त पर फ्रांस और रूस दोनों जगह पर अपनी सेनाएं भेज दी और फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं था। अब आते हैं द ग्रेट ब्रिटेन इस जंग में आखिर क्यों उतरा और क्या ये भी जंग के लिए जिम्मेदार थे। तो कह सकते हैं हाँ, क्योंकि ब्रिटेन तो चाहता ही था कि उसे जर्मनी के साथ जंग का एक मौका मिल जाए। दरअसल उस वक्त दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बड़ा खतरा जर्मन एम्पायर ही था, और जर्मनी की बढ़ती ताकत से ब्रिटेन भी परेशान था, जिस कारण ब्रिटेन ने भी इस जंग में कूदना सही समझा। धीरे धीरे इस जंग में अमेरिकन्स और मिडल ईस्ट से ऑटोमन से जुड़ते रहे, लेकिन मुख्य तौर पर पहला विश्व युद्ध शुरू होने की जिम्मेदारी इन्हीं देशों की थी। इस जंग में जीत एलाइड पावर्स की हुई, और हमेशा जीतने वाले का ही इतिहास बताया जाता है, जिस कारण इस जंग का पूरा आरोप जर्मनी पर थोप दिया गया और जर्मनी से इस जंग के लिए मोटा हर्जाना भी वसूला गया। जर्मनी की हालत आने वाले सालों में काफी खस्ता हो गई थी, और इस खस्ता हालत को लेकर कुछ सालों के बाद वहाँ हिटलर के रूप में एक मिलिट्री तानाशाह निकला। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पहला विश्व युद्ध न होता तो दूसरा विश्व युद्ध भी टल सकता था, और ये सब शुरू हुआ उस एक गलत मोड़ से। ये जंग 1914 से 1918 तक चली, और इसमें न सिर्फ इन देशों के लेकिन भारत और अफ्रीका के कई देशों के सिपाहियों ने भी अपनी जान गंवाई। और शायद आपको पता हो कि दिल्ली के इंडिया गेट को अंग्रेजों ने इन्हीं भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया था, जिसकी ईंटों पर उन सिपाहियों के नाम भी उकेरे गए हैं। उम्मीद है आपको पहले विश्व युद्ध के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। आपको क्या लगता है, पहले विश्व युद्ध को शुरू करने में किसकी गलती सबसे ज्यादा थी, हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।